17 लोग जो मेरे साथ आए हैं कैंसर से मर गए जी। 17 लोग जो आपके साथ आए थे वो मर चुके हैं। सारे रिपोर्ट सामान्य आए हैं। आपके रक्तकण की संख्या बढ़ गया करके उन्होंने बताया। कैंसर से ठीक हुआ जी। यीशु ने मुझे कैंसर से छुटकारा दिया। कैंसर है ही नहीं करके बताए। मुझे कैंसर है करके बताया। डॉक्टर ने कहा कि मैं मर जाऊंगा। पेट में गांठ नहीं है करके बताया ना। हालेलुया। मुझे गुर्दे का समस्या था पास्टर जी। प्रार्थना तेल का उपयोग करने के बाद उससे मुझे छुटकारा मिला। मेरा दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए सब कुछ तैयार किया लेकिन यीशु ने मुझे नए गुर्दे दिए। मेरा लिवर का समस्या सामान्य आया जी। लिवर की समस्या थी, संपूर्ण रीति से चंगाई हुआ। लिवर पूरी तरह से टीकों के सही आकार में है। हृदय में पानी कम हो गया, हृदय बढ़ने का समस्या भी कम हो के सामान्य रिपोर्ट आया जी। आपके हृदय के तीनों ब्लॉक्स कब गए? पिछले बार मैं अस्पताल को गया था पास्टर जी, उन्होंने सारे जांच करवाए और एंजियोग्रामी करवाए, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है करके बताया है। जहाँ पे पसली नहीं था अभी आके उस स्थान में पहुँच के करके डॉक्टरों ने बताए। मेरे बेटे को चलना फिरना सिखाया। पहले ये बातें नहीं कर पाता था, अभी अच्छे से बातें कर क्या पा रहा बात है। हालेलुया। डॉक्टरों ने कहा गर्भाशय में पिंड ही नहीं है, पुनरुत्थान शक्ति के द्वारा खाली गर्भाशय में यीशु ने एक पिंड को निर्माण किया। मेरी शादी होके 29 साल के बाद बेटा हुआ। 27 साल के बाद लड़का है लड़की? बेटा। वाओ, 27 इयर्स। हालेलुया। दिनकर जी, आपको हमारे कलीसिया के बारे में किसने बताया जी? हमारे मौसी के गांव से एक लड़की इस कलीसिया में आती है जी। वो है? इस कलीसिया से प्रार्थना तेल लेके आई जी। उन्होंने कहा कि प्रार्थना तेल आपकी बेटी को लगाइए, परमेश्वर उनको चंगाई देगा। ठीक है। तो फिर मैंने एक हफ्ते तक लगाया था जी। ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा था कि इस कलीसिया में जरूर जाना है, अगर वहाँ पे गए तो जरूर चंगाई मिलेगा। ठीक है। ऐसे सोच के पहली सप्ताह यहाँ पे आए थे जी। आपके बेटे को क्या हुआ? गुर्दिया खराब हो गए करके डॉक्टरों ने कहा। गुर्दे खराब हो गए? दोनों गुर्दे खराब हो गए? दोनों गुर्दिया खराब हो गए करके कहा। उम्र कितना है? 8 साल है पास्टर जी। उनका उम्र 8 साल है और दोनों गुर्दे खराब हो गए? कैसे? बीपी बढ़ने से हुआ? हाँ, रक्तचाप आया था जी। ठीक है। पेशाब में खून आया था पहले। पहले मूत्र में खून आया? हाँ, खून आया। खून आने के बाद अगर इसे इलाज करवाना है तो सालों का समय लग जाएगा। साल लगेंगे कहा? ठीक है। उस्मानी अस्पताल में इनको ले जाके दिखाया था जी। इनका रक्तचाप कम होना है तो सालों तक इनको लगातार दवा लेना पड़ेगा। तब मैंने कहा था कि परमेश्वर मेरे बेटे को जरूर चंगाई देगा क्योंकि जो भी उन पे विश्वास करते हैं उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने प्रार्थना किया था जी। प्रार्थना करते हुए मैं रोज मेरे बेटे को 4 गोलियां देती थी, रक्तचाप की गोलियां जी। रोज 4 गोलियां देती थी और लगभग हर रोज मैं उसे अस्पताल लेके जाती थी। डॉक्टरों ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, इनको बिना नमक का खाना दीजिए करके। बिना नमक का खाना खिलाए तो ये आपका बच्चा जी पाएगा करके कहा जी। तब एक महीने तक मैंने बिना नमक का खाना खिलाया जी। मुझे बहुत दुख होता था पास्टर जी कि मेरा बेटा बिना नमक का खाना खा रहा है, वो भी इस उम्र में। मैं हर रोज रोते हुए प्रार्थना करती थी कि प्रभु जी मेरा बेटा इस हालत में क्यों है। तो हर दिन बिना नमक का खाना ही देती थी जी। तो फिर पिछले हफ्ते इस कलीसिया में आने के बाद अस्पताल जाके जांच करवाई थी पास्टर जी। यहाँ पर कितने सप्ताह हैं? 4 सप्ताह। 4 हफ्ते से हम यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे आकर इस कलीसिया में बैठे क्या? हाँ, पहले सप्ताह इस कलीसिया में आके बैठे थे जी। अगले 2 सप्ताह तक हम दूसरे हॉल में बैठे थे। उस कलीसिया में आए थे क्या? हाँ जी। आज 4th हफ्ता है इस कलीसिया में आते हुए। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से प्रार्थना तेल ले जाके मैंने प्रार्थना करके प्रार्थना तेल को पूरा शरीर पे लगाया और थोड़ा पिलाया पास्टर जी। प्रार्थना तेल पिला के 2 दिन के बाद हम अस्पताल गए थे तो सारे रिपोर्ट सामान्य आए पास्टर जी। उच्च रक्तचाप 120-130 रहता था जी, अभी सामान्य आ गया जी। अब आपकी बेटी को रक्तचाप नहीं है कहा जी। अभी कोई समस्या नहीं है, अब से कोई दवा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। हालेलुया। कितने महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। अभी दोनों गुर्दे ठीक हो गए क्या? अभी दोनों गुर्दिया भी ठीक है जी। परसों जाके हमने स्कैनिंग करवाया था जी। डॉक्टरों ने कहा कि दोनों गुर्दिया अच्छे से काम कर रहे हैं, केवल आप 1 सप्ताह के लिए अस्पताल आना पड़ेगा। गुर्दे ठीक तौर पर काम कर रहे हैं? काम कर रहा है कहा। क्या बात है। आमीन। सब लोग कहिए विश्वास। ठीक है। अगर हम यीशु मसीह को विश्वास किए तो आप जानते हो यीशु महान कार्य करते हैं। इनको देखिए, ये यीशु को जानते हैं, ये एक विश्वासी स्त्री है, इसके वजह से यहाँ चंगाई हो रही है, इसलिए उन्होंने यहाँ आया। उस कारण परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया। पास्टर जी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। I now bring greetings to all the viewers in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. मैं हर एक दर्शकों का यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में अभिवादन करता हूँ। The word of God teaches as knowledge so that we can upgrade ourselves every day.
परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देती है, समझ देती है, ताकि हम अपने आप को उस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं। We have been learning about giving to God. हम सीख रहे थे परमेश्वर को दान देने के तौर पर। We all used to give how much we want to God. हम सभी देते हैं परमेश्वर को जितना हम चाहते हैं। And even people tell us you can give according to your own heart how much you want to give to God. लोग इस प्रकार कहते हैं कि आपका हृदय किस प्रकार कहता है उस प्रकार हम परमेश्वर को दे सकते हैं। That's okay for beginners. वो अच्छी बात है एक शुरुआत के विश्वासी के लिए। But even before that, you don't need to give anything. People want to give to you so that you accept Jesus Christ. उसके पहले उस प्रकार नहीं कि लोग चाहते हैं कि आप प्रभु को अंगीकार करें। And then once you love the Lord, you know Lord, you want to give to God. जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो उसके बाद आप देने लगते हैं परमेश्वर को। And we give whatever our heart tells us to give. हमारा हृदय जो कुछ हमसे कहता है उसको हम देते हैं। But as we grow more in the word, we learn that we have to give God certain portion. और जिस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं विश्वास में, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारा एक भाग परमेश्वर को देना है। We call it as tithing or one tenth of our income to God. हम उसको दशांश के तौर पर कहते हैं या फिर हमें जो तनख्वाह मिलती है उसका दसवां भाग हम परमेश्वर को देना। If you earn 10,000 rupees, you give 1,000 rupees to God. अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो 1,000 रुपया परमेश्वर को देना। And as we grow in the Lord, the word of God teaches us even to give God the same thing first, not afterwards. जिस प्रकार हम प्रभु में बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को हम सीखते हैं, जिस प्रकार हम देते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर को पहला देना इस प्रकार हम सीखते हैं। Most of the believers know this sermon, so what I'm going to preach you. अधिकतर विश्वासी जानते हैं क्या मैं प्रचार करने जा रहा हूं। But many people who are givers will slowly stop giving if they don't get faith from the word of God. और कई बार ऐसे हो जाता है जो देने वाले उसमें से देने के लिए पीछे हट जाते हैं जिस प्रकार का विश्वास वो परमेश्वर के वचन से प्राप्त नहीं करते हैं। Because if you don't listen to the word of God continuously, your faith comes down and you will stop giving and slowly stop worshiping and stop going to church and you will slowly start sliding away from God and become separated from God. जब परमेश्वर के वचन को जब आप नहीं सुनते हैं तो उस प्रकार आप विश्वास में कमजोर होते हैं, उसके कारण आप देने के लिए बंद हो जाते हैं और परमेश्वर की संगति में आना बंद हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं और धीरे धीरे आप परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। सो दिस वर्ड विल एनकरेज गिवर्स एंड स्ट्रेंथन देयर गिवर्स एंड आल्सो हेल्प दोस हु हैव स्लैकेंड डाउन टू अपग्रेड देयर फेथ एंड गिव गॉड एंड शो ए टोकन ऑफ वर्शिप एंड ग्रेटिट्यूड बाय गिविंग। ये संदेश उन लोगों के लिए जो गिर चुके हैं और जो कमजोर हो गए हैं उनके लिए एक और ताकतवर होगा जिस प्रकार आप परमेश्वर को देंगे और आप अपने उस आभारीपन को जो परमेश्वर को देने के तौर पर के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। And now as we read the word of God, we see that God wants us to give the tithing initially as first fruits. He want to give the tithing first to God and then use the 90% after you gave your tithing to God. जिस प्रकार हम परमेश्वर के वचन में देखने जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ हमें मिलता है उसमें से जो पहला भाग हम परमेश्वर को देकर बाकी 90 भाग से हम अपने जीवन के बाकी के कार्यों में हम लगा सकते हैं। You need to have faith to really give that. Otherwise, you think that you are losing money. आपको विश्वास होना जरूरी है उस देने के लिए, नहीं तो आप कहेंगे कि आप अपने धन को खो रहे हैं। Giving is a proof that God is true to you and you honor him. जब आप देते हैं वो सिद्ध करता है कि परमेश्वर सच्चा है और उस प्रकार आप उस परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। And here when God was teaching the Israelites in the wilderness, let's see how he taught them to give. Let's go to Leviticus chapter 23 verse 14.
और जिस प्रकार इसराइली उस मरुभूमि में थे, आइए हम देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर ने उनको सिखाया देने के लिए लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 23वां अध्याय और उसका 14वां पद। And you shall eat neither bread nor parched corn nor green ears until the selfsame day that you have bought an offering unto your God. It shall be a statute forever throughout your generations in all your dwellings. और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास ना ले जाओ, उस दिन तक नए खेत में से ना तो रोटी खाना और ना भूना हुआ अन्न और ना हरी बाले, यह तुम्हारे लिए पीढ़ी पीढ़ी के में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। Now, initially, just as I told you, you just receive from God initially, and then as you grow, you start giving to God, and then God wants to give you your tithes, and now He wants to give you at such an extent that you don't touch the 90% unless you take off the 10% and first give to God. जिस प्रकार मैंने आपसे कहा कि शुरुआत में इस प्रकार परमेश्वर आपको देता है और आप देने लगते हैं परमेश्वर को, और आखिरकार जब आप विश्वास में बढ़ते हैं, जिस प्रकार हम देखते हैं कि वह इस 10% को अलग करने के बाद ही बाकी के भागों को आप लेते हैं। Now in its initial days you can give whatever you want to God, but as you grow deep in the word of God, God wants you to give a certain amount of money. शुरू में किसी भी प्रकार से क्यों ना आप दे, मगर जैसे आप बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार हम दिखाता है कि उसमें से एक भाग अलग करना बहुत जरूरी है। And some people they say we don't give 10%, we give 9%, 8%. और कुछ लोग कहते हैं हम 10% नहीं देते हैं, हम 9-8 इस प्रकार के प्रतिशत को देते हैं। Some people give whatever is left over. और कुछ लोग जो बाकी बच जाता है उसको वो दे देते हैं। Yeah, those days were okay when you were initially ignorant, but God wants you to rise up to a standard where you know God and honor Him at a different level. उस अनजान अवस्था में जो शुरुआत की थी, जिसको आपने किया वो सही है, मगर परमेश्वर चाहता है कि जिस जगह में आप हैं वहां से उठे और उस स्तर पर पहुंचे जिस प्रकार परमेश्वर आपकी ओर नजर लगाए हुआ है। Let's go to Proverbs chapter 11 verse 24. आइए हम जाएं नीति वचन की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 24वें पद में। The Bible says that there is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। Wow, now this scripture is written by one of the wisest and richest king who lived on this planet. और इस पुस्तक को लिखा गया सबसे बड़ा बुद्धिमान और सबसे धनी राजा जो इस जगत में था। He says that you can give more and get blessed, that's not a problem, but if you give less than what you are supposed to give, you will enter into poverty. There are chances for you to become poor. वो यहां पर इस प्रकार कहता है, अब जितना भी ज्यादा दे सकते हैं, मगर जो स्तर है अगर उससे कम करके आप देते हैं तो वहां पर इस प्रकार हो सकता है कि आप एक गरीब अवस्था में आ सकते हैं। Yeah, we give and we expect from God, but if you give less than what you need to give, you may not receive from God. आप दे सकते हैं उस स्तर पर, मगर जितना देना है अगर उससे कम अगर हम देते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार तो हमें घटती हो सकती है। Because Paul says that when I was a child, I behaved as a child, but when I have grown up, I want to be like a grown-up man. Paulus कहता है, मैं जब बचपन में था उस बचपन की रीतियों में मैं चलता रहा, मगर मैं जब जवान हो गया जवानी की तरह मैं चलूंगा। Once you get your money, take a calculator, calculate or put on paper how much money you're getting and how much is 10%, and then take it out. That's how you give to God. You can give a bit more, but never give less. जब आपको तनख्वाह मिलती है या धन मिलता है, ये कैलकुलेटर को ले और उसमें गिनती करें और 10% अलग करके उसको परमेश्वर के लिए दे दें, उससे कम आप कभी ना देने पाए। And some people say, I give and I don't expect from God. और कुछ लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर को देते हैं, मगर हम परमेश्वर की ओर आशा नहीं लगाते कि वो कुछ दे। You think that you are giving to God something that's self-righteousness, because God's the one who gave you life, God's the one who gave you the ability to do everything, and who are you to give to God and not expect from Him?
वैसे व्यक्ति वो अपने आप को नो अपने किए हुए कामों को धर्मी ठहराते हैं। आप कौन हो जो परमेश्वर ने आपको ताकत दिया है, आपको धन दिया है, आप कैसे कह सकते हो कि इस प्रकार दे और ना उस पर आशा लगाएं? Does God need anything from man? क्या परमेश्वर मनुष्य से कुछ चाहता है? If God is actually giving us an instruction that profits man, not God. अगर परमेश्वर कुछ सलाह देता है उसका फायदा मनुष्य को होता है ना कि परमेश्वर को। If God is asking us to give something, he's not trying to get something out of us, but he's trying to give us back by our obedience. जब परमेश्वर कहता है कुछ देने के लिए, ये नहीं कि उस प्रकार हम उसको दे दें, मगर आज्ञा पालन के तौर पर हम उसको वापस देते हैं। So we will be profited by following the instruction. God will not profit because God never decreases nor increases. He's the same yesterday, today and tomorrow. उस सलाह को जब हम मानते हैं तब हम प्रभु में बढ़ते हैं, हम परमेश्वर से आशीष को पाते हैं। और परमेश्वर कल आज युगान युग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। If you give to God, God's finances doesn't increase. Or if you stop giving to God, his finances doesn't increase because he never changes. जब आप देते हैं ये नहीं कि परमेश्वर का बटोरा और बढ़ जाता है, या फिर आप नहीं देते हैं तो परमेश्वर का बटोरा कम हो जाता है, वो वैसा नहीं होता क्योंकि परमेश्वर एक ही है। If you go to Luke chapter 6 verse 36, it says, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together and running over shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. अगर आप लूका उसका छठवां अध्याय उसके 38वें पद को पढ़े, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। Well, when we need to God, we need to have a heart of expectation because the Bible says that it shall be given. Good measure, press it down, shaken together into your bosom. जब आप परमेश्वर को देते हैं तो आपके अंदर में एक आशा होना चाहिए। वहां पर इस प्रकार कहता है, वो उसको हिला हिला कर दबा दबा कर और उभरता हुआ वो हमें देता है वापस। Some people give to God and they never think that they are getting money back. कुछ लोग परमेश्वर को देते हैं और कभी भी उनको इस प्रकार की चिंता नहीं है कि परमेश्वर उनको वापस देता है। Because some people give maybe 10 rupees to God and God gives them back 20 and 30 rupees, sometimes 50, 60 and 100 rupees. But because they gave it in a little measure, God gives back with, you know, he multiplies that 10 rupees by 20, 30 and gives back. Because it's also a little measure, they will not see a difference. अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए देता है, तो उसको वापस 10, 30 या 70, 80, 90, 100, तो उस प्रकार जब हम देते हैं, तो कभी भी उस व्यक्ति के लिए उस प्रकार नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी अंश उनके देने में बड़ा है, तो उसके उनके हिसाब से वो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बट इफ यू रियली गिव गुड मेजर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गिव लाइक 1 lakh टू गॉड, यू हैव सेव्ड लॉट ऑफ मनी, यू गिव इट टू गॉड एंड देन गॉड गिव्स यू बैक इन टर्म्स ऑफ 6 lakh, 7 lakhs, देन यू विल सी दैट गॉड इज गिविंग यू, बिकॉज विद व्हाट मेजर यू मीट ही विल मेजर यू बैक। इफ यू टेक 10 रुपीज, ही विल टेक ऑल्सो, ही विल मल्टीप्लाई दैट 10 बाय यू नो 4, 5, 6। इफ यू टेक थाउजेंड, ही विल मल्टीप्लाई इट 4, 5, 6 into 1,000. If you take lakhs, he will multiply it into 4 or 5 times and he will give it to you. Because with what measure you take, he will take the same measure and multiply it and give it to you. अगर आप लाखों में देते हैं, अगर 1 lakh देते हैं, तो देख कर देखें कि परमेश्वर आपको 6-7 lakh में वापस करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से वो आपको नाप के वापस देता है। अगर 10 देते हो तो उसका गुणा वो 10 से करता है, अगर 1,000 करते हो तो 1,000 से करता है, अगर लाखों से करते हो तो लाखों की तरह वो आपको वापस देता है। टू गिव टू गॉड, यू नीड टू नो दैट गॉड इज देयर, अदरवाइज यू थिंक दैट यू आर लूजिंग मनी। Because you need to know by faith that God is there, and when you are giving, He will give it to you back by faith. Or you don't need to give to pastor, and you say, like, pastor, I gave you this money, you need to give it back. No, it's not the pastor. You are not having faith on the pastor. You are having faith on God. So when you are paying your local tithes, you know, don't diminish your tithe. Take it if it is in hundreds or thousands or lakhs. Take it and give it to the man of God. Give it to the local church where you are going regularly. And then God will bless you and give you more. This is a process where a believer can be blessed financially. God has given this system so that believer can be blessed financially. So that a believer will never see financial problems in his life. This is the system that God has designed to bless his believers. हम देखते हैं कि किस प्रकार
साधारण तौर पर जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं तो परमेश्वर उनको वापस उस प्रकार देता है, ये जिस प्रकार के कहा गया कि अपने निरंतर जाने वाले कलीसिया में आप उस दान को दें, ताकि वो जिस जितना भी क्यों ना हो, चाहे 100 में हो या 1000 में हो या लाखों में हो, आप उसी पासवान को दें जहां पर आप निरंतर जाते हैं, और उसके द्वारा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर लगातार बढ़ती रहती है। Some people give their tithes when they are in hundreds and thousands. कुछ लोग दशांश देते हैं जब 100 में या हजारों में उनके पास पैसा है। If your salary is 2000, you would give God 200 rupees very easily. जब आपका तनख्वाह 2000 है तो बहुत ही आराम तौर पर 200 रुपए परमेश्वर को देते हैं। If it is 20,000, you struggle to give 2000 rupees. मगर जब 20,000 होता है तो आप कठिनाई से 2000 देने की कोशिश करते हैं। Because you think that 2000 is big money. क्योंकि आप विचार करते हैं 2000 एक बड़ा धन है। If your monthly income is 2 lakhs, then 20,000, oh, it's too big. Some people, they want to give only little amount to God. No matter how much they get, they only give little to God. अगर आपके तनख्वाह 20 लाख है तो आपको 2 लाख है तो आपको 20,000 देना पड़ता है, मगर कई लोग सोचते हैं कि इतना धन परमेश्वर को जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर को थोड़ा देते हैं और बहुत परमेश्वर से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। No matter how much you get, when people grow big, when your income is 20 crore per month, you never think of even giving 2 crore to God. But you need to be faithful in your giving, because you're not only blessing yourself here, you are going to meet this God and live with Him forever and ever and ever. Your resources will be created by giving to God here on this earth, so that you can live with Him forever, which establishes a relationship with you to live with Him forever. Giving is a token of relationship with God, so that you can not only live here but also live with Him in heaven forever and ever. जब आपको मिलता है 20 करोड़ तो आपको देना होता है 2 करोड़, मगर कई बार उससे हम चूक जाते हैं, मगर आप विश्वासी योग्य होना बहुत जरूरी है। उतने धन को आपको परमेश्वर को देना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के साथ हम उस रिश्ते को बनाते हैं, ना केवल इस पृथ्वी पर मगर आने वाली उस स्वर्ग पर भी ये रिश्ता बना रहेगा। इसलिए हमारे लिए बहुत ही जरूरी है इस प्रकार के जब हम पृथ्वी में रहते हैं उस रिश्ते को देने के द्वारा परमेश्वर के साथ हम बनाए रखें। May God give you this heart so that you can give your tithing to your local churches and be blessed in Jesus' name. Amen. होने पाए कि प्रार्थना यही है कि आप उस प्रकार का हृदय को परमेश्वर आपको देने पाए, ताकि आपके जो नियमित रूप से जाने वाली कलीसिया में आप उसको दें और उसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करने पाए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में, I agree with all the viewers, अनेक दर्शकों के साथ मैं सहमत होता हूं, that from today, we ask you to give us a heart to pray for, a forgiving heart every day. आज से हमारे अंदर में ऐसा एक हृदय दे दे, ताकि हम हमारी प्रार्थनाओं में उस क्षमा की प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना करें। Give us a heart to forgive everyone that whom we are against, who are holding on grudge for years or for months or for whatever time we are holding it. हमारे हृदय में उस प्रकार की एक क्षमा की आत्मा दे दे, कई सालों से, कई घंटों से जो दुश्मनी हम निभा रहे हैं वो टूटने पाए। Those who are at the verge of divorce, Lord, touch their hearts and let them unite again. जो लोग तलाक के द्वार में हैं, उनको उससे छू दे और उनको जोड़ दे एक और बार। And those who are divorced, oh Lord, let them come back by the spirit of forgiveness. जिनके अंदर में तलाक हो चुकी है, होने पाए, वापस आ जाएं और परमेश्वर की आत्मा जो क्षमा की है उसके अंदर में कार्य करने पाए। And now let all the viewers, as they are agreeing, Lord, give them a spirit to pray for forgiving heart every day and let it be a part of their prayer life. जिस प्रकार वो सहमत हुए हैं इस प्रार्थना में, परमेश्वर तो उनको ऐसे एक आत्मा दे दे उनके प्रार्थना में, ताकि क्षमा करें प्रतिदिन की उनकी प्रार्थना में। As you impart forgiveness, O Lord, I know you will also bring healing and prosperity to their lives. और जिस प्रकार तू उनके लिए उस प्रकार की एक आत्मा जो क्षमा करने की, तो जरूर उनके बहुतायत की और समृद्धि की आशीष तू उन्हें देगा। Let every tormentor depart from their life
by giving them the heart of forgiveness. जो हर एक जो उनके ऊपर दंड लाते हैं वो सब दूर होने पाए और उन आशों से उनको तो भर दे. We pray in Jesus' mighty name. हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थी नाम में. Amen. कल्पना जी, यीशु आपको बेटे से आशीष किया. जब मैं गर्भवती थी मेरे बच्चे को हेपेटाइटिस बी है करके डॉक्टर ने कहा. ठीक है, आपको हेपेटाइटिस बी की बीमारी है. डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को भी ये बीमारी आएगी. ठीक है, डॉक्टर कहने के बाद आपने प्रार्थनाओं को पढ़ लिया. मेरे बेटे को ये बीमारी ना आने करके आप प्रार्थना करें तो आपको लड़का हुआ और ये बीमारी नहीं हुई. हालेलुया. मेरी लावण्या जी और मरिया दास, आप ही है ना? इन दोनों को 10 साल के बाद बेटी हुई. ये विलंब का कारण यह है कि इनके पति को शुक्राणु संख्या कम है, इसलिए इतना विलंब हुआ. तो फिर इस कलीसिया में आने के बाद इन्हें बेटी से आशीष पाई है. ओ ठीक है, अब 7 सप्ताह के प्रार्थना में आए. एक ही सप्ताह में आए हैं. कौन से फल खाए हैं? मौसम्बी जी. मौसम्बी खाए क्या? दोनों एक एक खाए क्या? गर्भ फल के लिए विशेष प्रार्थना है कहे तो हम यहाँ पे आए. कहाँ से आया? ठीक है, केसर से. आप कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से आए? हाँ, पास्टर जी. आपको किसने बताया कि 7 हफ्ते की प्रार्थना यहाँ चल रही है? यहाँ पे रमेश जी कह के रहते हैं जी, उन्होंने कहा था. आपको फोन करके कहा क्या यहाँ सभा चल रही है? हाँ जी, यहाँ पे आए तो आपको जरूर गर्भफल मिलेगा करके कहा था जी. एक सप्ते आकर आप मौसम्बी खाकर वापस गए. 10 साल के बाद आपके पति का शुक्राणु संख्या बढ़कर आपको बेटी हुई है. हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो. रविवार हमारी आराधना और चंगाई प्रार्थना, हमारी पहली तेलुगु आराधना क्रिस्टल गार्डन्स मेहदीपट्टनम में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक. हमारा पता है क्रिस्टल गार्डन्स, PVNR फ्लाईओवर, पिल्लर नंबर 86, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद. हमारी दूसरी तेलुगु आराधना VBR गार्डन्स अलवाल में शाम 5 बजे से 7 बजे तक. हमारा पता है VBR गार्डन्स, इंदिरा गांधी मूर्ति के पास, ओल्ड अलवाल, सिकंदराबाद. आपकी प्रार्थना विनती के लिए हमें संपर्क करें. हमारे नंबर 09701990096, 09701990097, 09701990098. अधिक जानकारी के लिए 0404747484848. हमारा वेबसाइट www.jcnm.org.